CGPSC मुख्य परीक्षा में पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपने इस चैनल पर अपलोड करना और आप लोगों तक पहुंचाना, यही हमारी एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए इसी योजना के तहत हम लोग अपना इस यहाँ काम करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और इस वीडियो सीरीज़ में यह मेरा पहला क्लास है जिसमें मैं CGPSC मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर का पहला पार्ट है हिंदी भाषा, उसका पहला ही टॉपिक शब्दबोध आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो पहला पेपर है हिंदी भाषा का, सामान्य हिंदी का, वह जो है आप सभी को इस पेपर के बारे में पता होगा कि 3 घंटे का पेपर है और 200 अंक है। तो 200 अंकों में जो पहला ही भाग है हिंदी, वह 100 अंक का है और जो आगे का दो भाग है, भाग दो इंग्लिश और भाग तीन छत्तीसगढ़ी भाषा, वो 50-50 नंबर का है, ठीक। तो हिंदी का अपना एक अलग वेटेज है और जो कोई भी इस परीक्षा में सफलता पाना चाहता है, अच्छा रैंक लाना चाहता है, वह हिंदी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मान के चलिए अगर ये हिंदी में 100 नंबर का यह पेपर है तो 100 नंबर में आपको अपनी पूरी कोशिश लगाना है कि 100 में 80 नंबर तो आप खींच ही लें, ठीक है, तभी आपका उद्धार है। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 नंबर। अब वो 80 नंबर आएगा नहीं आएगा यह बात की बात है, पर आपका टारगेट हमेशा 80 से ऊपर का ही होना चाहिए। तो चलिए, इस सामान्य हिंदी में हम लोग आज अपना पहला टॉपिक जो है भाषा बोध, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का ये जो 2017 में मुख्य परीक्षा का पेपर है, ठीक है, तो भाषा बोध जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा बोध से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। भाषा बोध दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे जिसका मुख्य परीक्षा में या परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देखते जाइए कि यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है, ठीक। 2017 में देखिए भाषा बोध से ये आपका आता है इस तरह का प्रश्न जो 2 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें होता है भाषा क्या है, बोली क्या है, इसको आपको लिखना होता है। तो बस सिंपल सी जो 1-1.5 लाइन में आपको इसको लिखना होता है, भाषा को आप ये 10-15 शब्द में लिख दिए, बोली क्या है 10-15 शब्द में समझा दिए, ऐसा ऐसा ही हर साल इसमें आता रहे, आप इसको देखते जाइए। ये 2017 का है, ठीक है, यही शब्दबोध जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंतर्गत इस 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक। इसको समझिए, 2017 में कितने नंबर का आया, 2 नंबर का, ठीक। 2016 में देखिए, 2016 में उसी तरह का फिर से एक प्रश्न बना है। सबसे पहला प्रश्न ही है, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, एक-एक 1.5-1.5 लाइन का ये आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, 2 नंबर का है, ठीक। अब देखिए 2015 में क्या आया था, स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो स्त्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, इसे भी आपको 1-1.5 लाइन में ही एक्सप्लेन कर देना है, ये भी 2 नंबर का ही है। 2014 को देखिए, शब्द और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द क्या है, वर्ण क्या है, ना भी लिख देंगे आप 1-1 लाइन में तो भी आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये तो 2014 का। 2013 में देखिए, शब्द क्या है, लिपि क्या है, ठीक है, वैसे ही 2012 में देखिए, टिप्पणी लिखिए कोई एक विषय पर, ठीक है, राजभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना था। तो आपको पता है कि 2 नंबर जो है 30 शब्द अगर आप लिखते हैं तो उसमें 2 नंबर आपको मिलता है। तो इस पर आपको 30-35 शब्द का एक लेख लिखना था कि राजभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है इस पर, ठीक है। तो इस तरह से यही शब्द बोध है, ठीक है। तो इस टॉपिक से, पहले टॉपिक से अब तक के कितने नंबर का बनता था, 2 नंबर का। पर 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है, तो 2018 के बाद हिंदी भाषा जो है वह 100 नंबर का हुआ था, ठीक है। तो 100 नंबर होने के बाद इसमें किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो जैसा परंपरागत पहले से बनते आ रहा था वैसा ही 2 नंबर का यह प्रश्न एक बना हुआ है। देखिए इसको, देखिए स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, इसको आपको 1-1.5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना था, 2 नंबर आपका अंदर हो जाता। और वैसे ही साथ में भी वर्णों के उच्चारण स्थान को बताइए, ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे कि ट का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, क का, स का। तो बस अपने को इस पहले टॉपिक के अंतर्गत इतना ही पढ़ना है, इसी तरह का, ठीक है। लेकिन
इसके साथ ही साथ जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी का शब्द बोध का मतलब क्या होता है, भाषा बोध, शब्द भाषा बोध का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा का कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके का आप पैटर्न समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, सारे जो अलग अलग टाइप के शब्द हैं वो प्रश्न उसका एक लाइन डेढ़ लाइन में लिखने के लिए मिलता है, और ये उच्चारण स्थान वाला हो गया इसी टाइप का, ठीक है। तो चलिए अब हम भाषा बोध के तहत कुछ चीज़ों को जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए वर्ण, अभी हम वर्ण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ण में देखिए जैसे कि ये अ क ग ख ज और फ, इसके नीचे में अंदर नीचे में क्या लगा है, एक बिंदु लगा है, हर वर्ण के नीचे में बिंदु लगा है, इसको क्या कहते हैं, ये जो नीचे में बिंदु रहता है तल बिंदु वाला वर्ण या अरबी फारसी वाला वर्ण है, ठीक है, इसको विदेशी वर्ण कहा जाता है, ठीक, ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है, विदेशी वर्ण, इसमें वर्ण के नीचे में तल में क्या लगा रहता है, बिंदु, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए अ के ऊपर में चंद्रमा, आधा चंद्रमा वाला बिंदु लगा है, ठीक है, अर्धचंद्रकार, तो ये अर्धचंद्रकार वर्ण वाला शब्द जो है यह अंग्रेजी का वर्ण है, ठीक, आप जब भी देखेंगे कि ये अर्धचंदा मामा जो बना रहता है वो अंग्रेजी का वर्ण है, यह भी एक विदेशी वर्ण है, ठीक। अब देखिए उच्चारण, उच्चारण के आधार पर जो है, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 47 है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछेगा किसी पेपर में या कहीं भी कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 47 है, ठीक है, और अगर लेखन के आधार पर पूछ ले तो लेखन लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या है 55, ठीक है, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए इस भाषा बोध के तहत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है, अगला देखिए मानक हिंदी वर्णमाला में, अभी तक हमने उच्चारण के आधार पर देखे शब्दचाल बोलचाल की भाषा में, ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 47 थी और लेखन के आधार पर 55 था, लेकिन अगर मानक हिंदी वर्णमाला के आधार पर अगर हम लोग देखें तो मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, ठीक है, यह मानक हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, ओके। अब देखिए विदेशी वर्ण को आगत या ग्रहित ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है, तो जो विदेशी वर्ण है जैसे कि ये ऊपर जो हलंत वाला देखे थे और कुछ कुछ वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आगत या ग्रहित ध्वनियां भी कहा जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए स्वर, तो स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है वह क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो है वह 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, 10 स्वर हैं, और वहीं लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, एक मिनट, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है 13, ओके। अब देखिए होंठ की स्थिति, ठीक, होंठ की स्थिति विपरीत मतलब क्या होता है, खुला, ऐसा अगर आपका होंठ जो है वो पूरा खुला होगा तो वह विपरीत कहलाएगा। समृद्ध मतलब क्या होता है, बंद, अगर आपका होंठ बंद है तो वह समृद्ध कहलाएगा, ठीक। अर्ध अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी मतलब होता है अगोलाकार, ओके, और वृत्तमुखी होता है गोलाकार, ठीक है, तो यह होंठों की स्थिति है, ठीक है। अब देखिए हवा का नाक या मुंह से निकलने की स्थिति, इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, जो हवा है आपका बोलते समय जो हवा है वह अगर नाक से निकल रहा है, आपका शब्द नाक से निकल रहा है तो उसको अनुनासिक कहेंगे, और अगर मुंह से निकल रहा है तो निरअनुनासिक कहेंगे, ठीक है। अनुनासिक मतलब अम अहा, ठीक है, ये अनुनासिक है, अंगा इया आड़ा ये अनुनासिक है, ठीक, तो नाक से निकल रहा है, ओके, और जो मुख से निकलता है डायरेक्ट वह क्या है, निर अनुनासिक, ओके। चलिए आगे देखिए व्यंजन, अभी तक हम स्वर देख रहे थे, अब देखेंगे व्यंजन। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, स्वर क्या था, अ आ ई ई ये सब स्वर था, पर व्यंजन क्या है, क ख ग घ झ झ झ, यह सब क्या है, व्यंजन है,
ओके तो क्या बोल रहे हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अवर्ण की अनिवार्य रूप से उपस्थिति होती है। ओके तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी व्यंजन हैं उसमें अवर्ण जो है अनिवार्य रूप से होता है, अगर अ नहीं है तो वह व्यंजन नहीं है। ओके अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ओके इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे देखिए व्यंजनों की संख्या है 33, ठीक है, लेकिन द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा है? अड़ा और अढ़ा, ठीक है, ड और ढ नहीं कह रहा हूँ ना, अड़ा और अढ़ा को अगर जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 होती है। ठीक है तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन 33 है, अड़ा अढ़ा जोड़ने के बाद जो द्विगुण व्यंजन कहलाता है उसको जोड़ने के बाद इसकी संख्या 35 होती है। ठीक, अब जिसमें देखिए उक्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं? अढ़ ये हिंदी के विकसित वर्ण हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है उच्चित व्यंजन यही है, अढ़ा द्विगुण व्यंजन उच्चित व्यंजन, ठीक, ये संस्कृत में नहीं था, अढ़ा जो है ना यह संस्कृत में नहीं था, ये हिंदी के अपने वर्ण है। ठीक शब्दकोश, अब देखिए जो डिक्शनरी है शब्दकोश उसमें किस तरह से क्रम को देखा जाता है, शब्द का क्रम जो है कैसे रहता है, वह आपको इसके माध्यम से सीखने को मिलेगा। ठीक है तो देखिए सबसे पहले शब्दकोश में क्या आएगा? स्वर आएगा, सबसे पहले आएगा स्वर और बाद में आएगा व्यंजन। ठीक है तो स्वर में कैसे? अ आ ई ऊ ए ए ओ, ठीक इतना हो गया स्वर। स्वर के बाद क्या आएगा? अनुस्वार। अनुस्वार कैसे? अम तथा अह, ठीक है तो अ आ ओ ओ, अ आ से लेके ओ ओ के बाद अम अह आएगा। ठीक उसके बाद ही जो बाकी के व्यंजन है जैसे क ख ग घ ये सब आएगा। ठीक तो कैसे आएगा आपने समझा इसको? सबसे पहले डिक्शनरी में स्वर का संख्या आएगा, जैसे कि अ ई हो गया, अ से जिसका नाम स्टार्ट होगा वो आएगा, आ से आएगा, ई से आएगा, ऊ से आएगा, ऐसे करते करते क्रम बनेगा। ठीक फिर आएगा अम अह, ठीक है अम अह, अगर उसके बाद अगर क का लाइन आता है तो क में क का की ये सब क्या है? स्वर है, एक व्यंजन में स्वर जुड़ रहा है तो क आएगा, क के बाद का आएगा, का के बाद छोटा की फिर बड़ा की, छोटा कु बड़ा कु के कै को क, और उसके बाद क्या आएगा? कम कहा उस, ठीक है इस चीज़ को आप समझ में आ रहा है आपको कि जो स्वर है वह पहले आएगा उसके बाद अनुस्वार आएगा उसके बाद व्यंजन आएगा। ठीक तो इस क्रम को आप देखिए। चलिए आगे देखते हैं, इस चीज़ को समझिए, आपको ये समझ में आ गया? सबसे पहले शब्दकोश में स्वर आएगा, स्वर के बाद अनुस्वार आएगा, अनुस्वार के बाद व्यंजन का वर्ण आएगा। ठीक अब जैसे देखिए आधा क वाला शब्द हो गया, जैसे क्या क्र क्ल क्व क्ष ऐसे क्रम से आएगा, जैसे आधा क है उसके साथ यह आएगा, यह के बाद देखिए ये क्र आएगा, क के साथ जो क्र वाला मात्रा है ये, फिर आधा क के बाद ल आएगा, फिर आधा क के बाद व आएगा, फिर क्ष आएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये क्रम आपको समझना कैसे रहेगा? य र ल व, देखिए यहाँ पे क्या है? य है, फिर र है, फिर यहाँ पे ल है, फिर यहाँ पे व है, ये एक क्रम है य र ल व, इसी क्रम में आता है य र ल व, तो वैसे ही य र ल व के क्रम में है आधा क फिर र। ठीक है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और क्ष लास्ट में क्यों आ रहा है? क्ष क्योंकि क्ष जो है दो शब्दों के मेल से बने हैं, कौन कौन से शब्द? आधा क तथा क्ष, ठीक है आधा का तथा क्ष, इसलिए लास्ट में है। इस तरीके से शब्द में जो है शब्दकोश में क्रम आएगा। ठीक है अब देखिए अंग इय अण ढ, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, आपको पता होगा कि ये जो शब्द है इस वर्ण से कोई सभी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है तो ये जो है स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलता है, अगर इससे कोई शब्द शुरू होगा तो स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलेगा क्रम में, कहीं होगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि इसे शायद ही कोई शब्द शुरू होता होगा। ठीक है इसीलिए यह स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलेगा। अब देखिए श जो है कौन कौन से शब्द के मेल से बना है? अधा का तथा श, और त्र त तथा र, और ज्ञ जो है कैसे बना है? ज तथा इया, और श्र जो है वह कैसे किस शब्द के मेल से बना है? स और र वाले स्थानों में जाना होगा। तो ऐसे शब्द से अगर कोई चीज शुरू होता है इसका शब्दकोश में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन शब्दों का जो खाना रहेगा उधर जाना पड़ेगा। ठीक चलिए समझ में आ गया आपको?
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया, मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है वह डायरेक्ट आपकी मुख्य परीक्षा में तो नहीं आने वाला है, पर आपको भाषा बोध के लिए, आपकी जानकारी के लिए वह चीज बताई गई थी, ठीक है, जो भी बताया है। पर आप इतना याद रखिए कि आपको सबसे पहले 2 नंबर का कौन सा प्रश्न मिलेगा, जिसमें वैसा ही पूछा गया कि भाषा क्या है, बोली क्या है, उपबोली क्या है, ऐसे एक एक दो दो नंबर वाला जो है, दो दो नंबर का पहले ही आपको मिलेगा। और दूसरा इस तरीके का प्रश्न मिलेगा जिसमें क्या लिखा है, इस चीज को पहले आप समझिए, यह क्या है, यह कंठ है, उच्चारण स्थान, जो शब्दों का जो उच्चारण स्थान होता है वर्णों का, तो यह कंठ है, ठीक है। यह क्या है, यह आपका कंठ के बाद क्या आएगा, ये सबसे नीचे कंठ, कंठ के बाद आएगा तालु, ये तालु है, ठीक है, ये तालु, उसके बाद तालु से आगे यहाँ पे क्या है, यह है मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है, कंठ, तालु और मूर्धन्य, और उसके बाद आएगा दंत, यहाँ पे आपका दंत है, ठीक है, और दंत के बाद सबसे नीचे आएगा ओष्ठ, ठीक, दंत ओष्ठ, तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, यहीं से उच्चारण स्थान इसका बनता है। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्रम देखिए कंठ, ठीक है, तो कंठ से कौन कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, क वर्ग का वर्ण, क वर्ग का वर्ण मतलब क ख ग और घ, ये 4 वर्ण जो है, ठीक है, 4 वर्ण, क ख ग घ, कंठ से उत्पादित उच्चारित वर्ण। तो ये जो 5 आपको मैंने बताया है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंठ से कौन कौन सा, क ख ग घ, और उसके बाद अ आ अह और ह, इस 4 को आपको याद करना पड़ेगा, क्या क्या है, अ आ अह, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को काउंट करेंगे कितना हो गया आपका, 8 वर्ण, ठीक, 8 वर्ण जो है वह कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, क ख ग घ अ आ अह ह। अब देखिए तालु से, तालु से कौन कौन सा है, 6 वर्ण, च छ ज झ, ठीक है, च छ ज झ, और ई ई यस, ई ई यस, इसमें भी 8 जो वर्ण है वह उच्चारित हो रहे हैं। अब देखिए मूर्धन्य से, यहाँ से मूर्धन्य से कौन कौन सा उच्चारित हो रहा है, ट वर्ण, ट ठ ड ढ, ठीक, ट ठ ड ढ, तथा री और स, री और श, ठीक, ये 6 वर्ण जो है वह मूर्धन्य से उच्चारित हो रहे हैं। दंत का उच्चारण स्थान देखिए, दंत से जो उच्चारित होता है त वर्ण, त थ द ध, ठीक, त थ द ध, और ये छोटा सा, ठीक, यहाँ पे स था, यहाँ पे श है, ठीक। तो ये हो गया 5 वर्ण जो है दंत से उच्चारित हो रहे हैं। अब ओष्ठ को देखिए, ओष्ठ से प वर्ण, प फ ब भ और उ, ठीक, ओठ से क्या क्या है, प फ ब भ उ, ये हो गया 6 वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, ओष्ठ से, ओके। अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए, जब आप इस चीज को फील करेंगे बोलते समय कि कौन सा वर्ण कहाँ से हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि कंठ से महसूस कीजिए, क ख ग घ, स्पष्ट लग रहा है कि ये गले से निकल रहा है आवाज, ठीक है, अ आ अ ह, ये कहाँ से निकल रहा है, गले से। वैसे ही इस चीज को आप समझिए, ओष्ठ से, सबसे लास्ट वाला देखिए ओष्ठ का, प फ ब भ उ, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, ओष्ठ से निकल रहे हैं। तो ये उच्चारण स्थान आपको क्या है, रटना पड़ेगा, ठीक, 8 है 8 है, 6 है 5 है, 6 है, इस तरीके से ये सजा हुआ है, इसको आपको बस एक बार रटना है, ठीक। अब देखिए दूसरा देखिए, कंठ ओष्ठ, ठीक, ये हमने अलग अलग देख लिया, इसका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब देखिए मिश्रित, कंठ और ओष्ठ के मिश्रण से कौन कौन सा शब्द निकलता है, ओ औ आ, ओ औ आ, ठीक है, ओ औ आ, ये 3 वर्ण जो है वह कंठ ओष्ठ के मिश्रण से निकलता है। अब देखिए कंठ और तालु के मिश्रण से ए ऐ, ए ऐ, ये कंठ और तालु के मिश्रण से निकलता है, ठीक। अब देखिए दंत और ओष्ठ के मिश्रण से, दंत और ओष्ठ के मिश्रण से निकलता है वह, 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 ठीक है। अब देखिए दंत मूल से, दंत मूल से, ठीक है, तो दंत मूल से है र और ल,
और ल। ओके, समझ में आया? तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान एक ही बार आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जिंदगी भर फिर ये आपको साथ देगा। मस्त सजा हुआ है, ऐसा सजा हुआ आप किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको एक बार मेहनत करके आप रट लीजिए कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। अब देखिए लास्ट में जो नासिक के है, नासिक के अर्थात नाक के, नाक से कौन कौन सा वर्ड निकलता है? निकलता है अम, अंग, इय, अण, न, म। कौन कौन सा? 6 ठो निकलता है, 6 वर्ण। अम, अंग, इय, अण, न, म। स्पष्ट लग रहा है ये नाक से निकल रहा है, ठीक। तो इसको नासिक के कहते हैं। ओके, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो भाषा बोध के अंतर्गत आपको बस इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, जो छोटे छोटे शब्द बने हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, वही लिखने को आएगा। भाषा, बोली, इसमें अंतर बताइए, ठीक है। समास क्या है, संधि क्या है, इसको पूछा जा सकता है। बोली क्या है ना, ऐसे ही शब्द आपको आएंगे 2 नंबर का, और आएगा उच्चारण स्थान बताइए। तो उच्चारण स्थान दे देगा 4 शब्द, 4 वर्ण दे देगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। ध का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। उ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ल का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऐसा उच्चारण स्थान आपको पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर का आपको उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, और 2 नंबर का आपको क्या पूछा जा सकता है, वही 2, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आरंभ में, ठीक है। तो इसी तरीके से तैयारी कीजिए, बस इतना तैयारी कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपका इधर से उधर तितर बितर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, बुक्स को पढ़िए, समझिए, और उसको एक अच्छा सा नोट्स बना के, क्लियर, एकदम साफ सुथरा सुंदर सा नोट्स बना के उसको रखते जाइए। और जितना आपने नोट्स बनाया है उतना आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नोट्स हमेशा एकदम सटीक रटा हुआ होना चाहिए, बुक का भले ही आप एक दो बार पढ़ लीजिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स में हमेशा समेकित कीजिए, संकलित कीजिए, और एक सिनॉप्सिस जैसा नोट्स बनाइए जिसमें सब कुछ शामिल हो जाए, पढ़ने से आपको समझ में आ जाए, वो एकदम रट्टा तो रट्टा होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, भाषा बोध के अंतर्गत हमने आपको इतना ही पढ़ाना था, ठीक। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें अगला जो है टॉपिक संक्षिप्त लेखन, वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा, और आप ये जो है वीडियो है इसको देखने के बाद, पूरा देखने के बाद इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, ये जो PDF जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर पहुँच जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रखिए, अपना खुद का एक नोट्स बनाइए और उसमें से सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए, ठीक है। तो हिंदी का जो पूरा वीडियो है, पूरा 100 नंबर की तैयारी मैं आपको इसमें से कराऊंगा, इस वीडियो सीरीज में, ठीक। जुड़े रहिए चैनल, और भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, उसको भी देखते रहिए, ठीक, और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम संक्षिप्त लेखन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।